इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैंड थ्योरी के बारे में देखा है, एक बार शॉर्ट में वापस से बताया जा रहे हैं हम लोग। ये एज ऑफ द न्यूक्लियस, ये फर्स्ट बैंड या फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल, फिर से बता रहा। सिंगल एटम अगर लेंगे तो एनर्जी लेवल्स रहेंगी, और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स लेंगे या पूरा सब्सटेंस लेंगे तो एनर्जी बैंड्स। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर ये रेंज से ये रेंज तक, इसको अपन एनर्जी बोल सकते। अगर यहाँ पे नंबर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज में अगर एनर्जी है तो वो कौन से ऑर्बिट में होगा? फर्स्ट। इस रेंज में अगर एनर्जी है तो सपोज इट इज इन सेकेंड ऑर्बिट, और इस रेंज में और एनर्जी है तो इट इज इन द थर्ड ऑर्बिट। अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था सूर्य का, उसके हिसाब से अपन थर्ड ऑर्बिट तक गए थे। आगे भी हो सकता, प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, नाउ दिस थर्ड ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड। ये पार्शियली फिल्ड है, पूरी तरह फिल्ड नहीं था, पार्शियली फिल्ड। दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिख रहे हैं वैलेंस बैंड। ठीक है ना, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ये समझो, है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा है सेकेंड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उनको, दे आर लूजली बाउंडेड, सबसे लूजली वही बाउंडेड रहेंगे न्यूक्लियस के साथ, और उसको आप आराम से फ्री कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि कितनी एनर्जी लगेगी उनको फ्री करने के लिए, उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, वही अब हम स्टडी करने वाले हैं। देखो नाउ, इसकी डेफिनेशन वापस एक बार सुनना। वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जी यानी यहां से यहां तक, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस बाय एन इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पोजेस बाय एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर एटम के लिए। तो फिर से सुना, वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, नेक्स्ट बैंड ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इट कैन मूव एनीवेयर इनसाइड दैट मटेरियल, दैट इलेक्ट्रॉन या दैट इलेक्ट्रॉन पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये है वो रेंज, उतनी एनर्जी अगर उसके पास है तो वो फ्री हो चुका है, एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। डेफिनेशन सुनना कंडक्शन बैंड की, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड इट इज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, करंट कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल है वो, दैट बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, याद रखना वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप फ्री कर सकते हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बाउंडेड, वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट वाले आप इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर सकते। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप आराम से, वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको आराम से फ्री कर सकते हैं, थोड़ी एनर्जी देंगे तो वो फ्री हो जाएंगे। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उनको फ्री करने के लिए? तो फ्री कर देंगे तो वो कौन से बैंड में आ गए? कंडक्शन बैंड में। ये कोई ऑर्बिट नहीं है, अब यहाँ पे फ्री हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड है, यानी वो हमारा वैलेंस बैंड है, उसमें के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। उनको एनर्जी दो, एनर्जी लेवल बढ़ा दिए, यानी वो फ्री हो गए यहाँ पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी प्रोसेस करेंगे दैट इज दिस रेंज एंड इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। देख लो, वापस से डेफिनेशन बता दो, दोनों ही नोट डाउन कर लो पहले फिर से। थर्ड ले लेते हैं, तीनों के एक साथ में देखेंगे। एनर्जी गैप और बैंड गैप, तो ये जो है दोनों के बीच में का जो ये गैप, ये इसको बोलते हैं एनर्जी गैप या बैंड गैप, ईजी लिखा है शॉर्ट में, एनर्जी गैप या बैंड गैप। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये जो दोनों के बीच में का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप और बैंड गैप, ये डिसाइड करेंगे कि वो मटेरियल कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अब वो मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तीन बैंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों के गैप को ही एनर्जी गैप या बैंड गैप बोल रहे हैं। ये जो गैप है या ये जो बैंड्स के बीच में की गैप है ये डिसाइड करेंगे कि वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। देखते हैं, फिर से याद रखो, वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप या बैंड गैप, एनर्जी गैप या बैंड गैप। ठीक है, ओके। इस गैप के हिसाब से हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड करने वाले हैं। ध्यान से देखना होगा, तो ये मिटा रहा मैं, वैलेंस बैंड को ऐसे लिखेंगे, कंडक्शन बैंड को, और ये एनर्जी गैप या बैंड गैप। ध्यान रखना, तो अब तीनों के लिए अलग अलग बनाएंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। उनमें इसमें गैप में क्या फर्क आएगा तीनों के वो देखते हैं। तो याद रखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इतनी एनर्जी है उसके पास, उसको फ्री करना सबसे इजी है। इनको फ्री नहीं कर सकते आप, वो टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, इनको आप फ्री कर सकते हैं। तो इसको एनर्जी दिया, इसको फ्री कर दिया, फ्री कर दिया मतलब एनर्जी ज्यादा दिया है तो वो न्यूक्लियस के बाइंडिंग से हट गए, तो वो कंडक्शन बैंड में एनर्जी रेंज में है, यानी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है। दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर बोलने से अच्छा बोलेंगे मटेरियल, क्योंकि अब तक तीनों लेने वाले कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये मिटा रहे, पिछले वीडियो का ही है, देख लो एक बार। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप या बैंड गैप। फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देता, ध्यान से सुन लेना। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी हो रहा, याद रखो ये 11th का बेसिक है, आप लोग चाहे तो 11th के टेक्सटबुक में देख सकते, पर मत देखो, अपने नोट्स खुद बना लो। यही आप लोग को फिर 12th में आगे कंटिन्यू करेंगे, 12th के तो नोट्स मिल ही जाएंगे। अब ये जो सेमीकंडक्टर मैं पढ़ा रहा, फिर इसको मेरे को डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्पिटेटिव के नीट के लिए, JEE के लिए डायरेक्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे सकूंगा। तो ये 11th में चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, और उसमें उसको रबर की तरह बहुत खींचा हुआ है, हो सके तो अपने नोट्स खुद बना लो। 11th का है पढ़ा, वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, या द गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप एंड और बैंड गैप। इसको मिटा रहे, इसी के ऊपर तीन चीजों को डिफाइन करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखो, जो भी हमने बैंड थ्योरी देखी है, तीन टाइप के बैंड देखे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप या बैंड गैप भी बोल सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं। अब ये समझो कंडक्टर और इंसुलेटर का लास्ट है, अब इसके बाद पूरा सेमीकंडक्टर ही रहेगा चैप्टर में, ध्यान देना। थर्ड ऑर्बिट तक ही लिखाएंगे अपन इसमें भी। ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थोड़े से बड़े कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर का ऑलमोस्ट खत्म हो सकता है, इसके बाद जो भी रहेगा वो सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ने वाले। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट जो पार्शियली फिल्ड है, तो रेड पेन से उसको फिल कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड है, ठीक है ना। ये है हमारा वैलेंस बैंड,
अब बना रहे हम कंडक्शन बैंड, ध्यान देना दोनों पे, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, ध्यान रखो। सो एनर्जी गैप ईजी से डिनोट करेंगे एंड इट इज जीरो, ठीक है। तो यहां या फिर शॉर्ट में लिख लेते बैंड गैप या एनर्जी गैप, इट इज जीरो। याद रखो ये एनर्जी गैप को ईजी से डिनोट कर सकते हैं या बैंड गैप लिखा है यहां पे, ध्यान देना। तो मैंने पहले ही बोला है कि इनके बीच में गैप कितनी है ये डिसाइड करेंगे कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। यहां याद रखो इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप विद ईच अदर, गैप नहीं है, एक की लाइन दूसरे की लाइन। चलो इसको रेड से बना देता हूं, एनी मिक्स नहीं होगा। देख ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड लाल से बना दिया, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होगा कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंडेड है कि उसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई रूम टेम्परेचर पे भी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, यानी उनको कुछ एनर्जी ज्यादा देने की अपने को जरूरत नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पे भी इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो एनर्जी गैप या बैंड गैप कितनी है यहाँ पे, जीरो। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो रहे मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं है। इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड। पहले बताया था कंडक्शन बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो अब इनके बीच में कोई गैप नहीं है मतलब थोड़ी भी एनर्जी मिल गई, ओवरलैपिंग है दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर सो मच लूजली बाउंडेड कि अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई यानी रूम टेम्परेचर पे भी है समझो या उससे भी कम में तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, दे कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, हेंस कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो इन द ब्लैंक के लिए बैंड गैप या एनर्जी गैप इज जीरो, उसको ईजी से डिनोट करेंगे या ऐसे भी लिख सकते बैंड गैप इज जीरो। ओवरलैपिंग है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग, तो उनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर लेने से पहले इंसुलेटर ले लेते हैं, ध्यान दो। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, अपना थर्ड ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड है एंड इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड देखो क्या है, इसको थोड़ा ऊपर करो, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। अब ये जो ईजी है यहां पे एनर्जी गैप, जैसे वहां जीरो लिखा है तो यहां ईजी अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं अपन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है, कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल्स में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज 1.6 * 10 टू माइनस 19 जूल्स, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट रेंज है, ठीक है। तो याद रखो ये गैप इतनी ज्यादा है मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप जब इतनी एनर्जी देंगे तो वो फ्री होगा, तब वो जाके फ्री होगा, और इतनी एनर्जी आप नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ कंडक्शन बैंड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है जो वीकली बाउंडेड है, उनको थोड़ी भी एनर्जी मिली तो वो फ्री हो गए, फ्री हो गए मतलब कंडक्शन बैंड में, यानी एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए उनको, फटाक से फ्री हो जाएंगे, जबकि यहाँ इतनी एनर्जी देंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और उतनी एनर्जी आप नहीं दे सकते उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, दे आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। यहाँ कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, टोटली एम्प्टी, क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए तो इनके बीच में गैप यहाँ बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप कितनी है अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में रहेंगी, ध्यान रखना। अगर मोर स्पेसिफिक बोले तो डायमंड की 5 पॉइंट समथिंग है, याद रखना। डायमंड के लिए जो एनर्जी गैप है वो है 5.46 के करीब इलेक्ट्रॉन, देखो 4.6 या 4.7, 4.6
या फोर्स है, तो ये रेंज में रहेंगे। ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड का एग्जांपल ही आता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा गैप है। गैप का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री करना है, इतनी एनर्जी देना है, और इतनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते, इतनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे पाएंगे हम लोग कि वो फ्री हो जाए। ध्यान रखो यहाँ से इधर, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन, मींस इट इज टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, वो छोड़ के नहीं जाएगा। उसको अगर अपने को फ्री करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब आप उतनी एनर्जी देंगे तब जाके वो फ्री होगा, और आप उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, आइडियल केस में यहाँ एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इंसुलेटर है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बाउंडेड है सारे इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज मूव होंगे नहीं, चार्ज मूव नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। ध्यान रखो, तो ये देखो एक बार फिर इंसुलेटर पर, सॉरी सेमीकंडक्टर का देखो। तो यहाँ एनर्जी गैप जीरो है, यहाँ एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो अब देखते हैं सेमीकंडक्टर में कैसा है, ये नोट डाउन कर लो पहले। अब देखो, अब लेते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो यहाँ एकदम भी गैप नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी मिली तो वो फ्री हो जाएंगे, ये समझना लॉजिक। कंडक्शन बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उतनी एनर्जी दिए, तो यहाँ कोई गैप नहीं है, मतलब बैलेंस बैंड में ही अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इसीलिए रूम टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के फ्री, तो कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ ये जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है, इतनी एनर्जी आप उस इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वहां टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी देनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। उतनी एनर्जी नहीं मिलने वाली, यानी वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए वो इंसुलेटर है और कंडक्ट नहीं करेंगे। जबकि हम देखते हैं अब सेमीकंडक्टर में कैसा है, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है अपने। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो हुआ ही होगा बोल रहे ये सब, ये तो 11th में ही हो गया होगा, तुम लोगों को तो अच्छे से मालूम ही होगा। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, सपोज थर्ड ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड, ये हमारा है वैलेंस बैंड। अब देखेंगे हम कंडक्शन बैंड। अब देखो ध्यान देना, गैप इतनी ज्यादा भी नहीं है और एकदम जीरो भी नहीं है, कब है, तो यहां जो गैप ये रहेगी अप्रोक्सीमेटली रहेगी, वैसे ही बना दो एनर्जी गैप या बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्री होके यहां चले जाएंगे, तो यहां देखना, यहां अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोगों ने बनाना नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत नहीं है। यहां कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होके जाएंगे कुछ, और यहां एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो याद रखना, देखा यहां ओवरलैपिंग है, इसका मतलब ये होता है थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसीलिए कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में टाइटली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, इसीलिए उनको फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी अपन नहीं दे सकते उनको या उनको नहीं मिलने वाली, तो वो बाउंडेड ही रहेंगे कंडक्शन बैंड में, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, याद रखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर जब हम इंसुलेटर देखेंगे बहुत ज्यादा गैप है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करने को, यहाँ थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। यहाँ और यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो इन दोनों के बीच में है एनर्जी गैप, इससे ज्यादा है पर इससे कम, तो यहाँ एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी अपन दे सकते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पे चले जाएंगे, तो देर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, देर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। और फिर मैंने पहले भी बताया कि हम वहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल ये कंपैरिजन हो गया इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में। याद रखो
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये होता है कि वहां थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे या थोड़ी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो वैलेंस बैंड छोड़ के फ्री हो जाएंगे, जबकि इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो फ्री होगा, तो वैलेंस बैंड में उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलने वाली कि वो फ्री हो जाए, तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहां है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब सेमीकंडक्टर देखेंगे तो एनर्जी गैप जो है अप्रोक्सीमेटली है, देखो दिख रहा ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देना है, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल सकती, अगर उतनी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहां आ जाएगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इतने जीरो भी नहीं है, इतने ज्यादा भी नहीं है, बीच में, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर के लार्ज एप्लीकेशंस है, क्योंकि हमारे को जैसे चाहिए उसी कंडक्टिविटी हम लोग वैसे चेंज कर सकते हैं, पर जीरो नहीं और इतनी ज्यादा भी नहीं रहेगी कंडक्टिविटी, बीच में दोनों में, तो ये याद रखना एनर्जी गैप, एनर्जी गैप पर से हमने डिवाइड किया है कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ फ्री करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, उतनी एनर्जी मिलने नहीं वाली, यहाँ एनर्जी चाहिए पर इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ तक जा सकते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आएंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ ओवरलैपिंग है, यहाँ पर कंडक्टर के लिए लिखा है Eg equals to zero, यहाँ दिख नहीं सकते जैसे इसमें लिखा है इसमें नहीं, यहाँ लिख दिया कंडक्टर के लिए, बैंड गैप दोनों के बीच में की, इन दोनों के बीच में की बैंड गैप, यहाँ कितने कंडक्टर के लिए जीरो। देखो तो हम जो मटेरियल यूज करेंगे वो है सिलिकॉन जर्मेनियम, तो सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेटली है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना है, और जर्मेनियम के लिए ये जो बैंड गैप है वो लिख रहा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 के क्लोज है दोनों, तो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना, ये इसके एग्जाम्पल है, तो ये ईजी की वैल्यू लिखा है हमने, पर काय के लिए लिखा है सेमीकंडक्टर के लिए, अब पूरे चैप्टर में सेमीकंडक्टर है और बेसिकली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर है उनके बारे में पढ़ेंगे, 12th में कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा आएगा, और ऑर्गेनिक का भी अपने को नहीं है, कल एग्जांपल बताए थे 3 टाइप के हैं सेमीकंडक्टर एलिमेंटल, तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के एग्जांपल लिखे, ईजी की वैल्यू लिखा है सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जर्मेनियम में कम है 0.66, उतनी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ये याद रखो वैल्यू, और ये याद रखो रफली ये इजी तो जीरो है, ये रफली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलने वाली, या अपन नहीं दे सकेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने वाला, कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, ठीक है, इसलिए वो इंसुलेटर है, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्ट कर सकेंगे इसीलिए उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जबकि यहाँ बहुत सारे हैं लार्ज नंबर, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग है, बैंड गैप जीरो, यानी थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फ्री, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इसमें थोड़ा और बताना है, फोन बता दें सिलिकॉन का याद रखना 1.12 बैंड गैप और ये 0.66 इजी से डिनोट कर सकते हो उसको, तो यहाँ नाम डाल दिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायमंड के लिए 5.47 रफली 5 याद रखो, यहाँ 1 यहाँ तो 0 ही, देख लो छोटी सी चीज बता रहा, सिर्फ इतना ब्लैक वगैरह आया तो याद रखना, ये मिटा रहा है, ये वैल्यू मिटा रहा है, यहाँ पे भी ये वैल्यू मिटा रहा है, कंडक्टर और सॉरी कंडक्टर के लिए नहीं है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए है, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है, और बीच में दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में लाइन बना रहे, ध्यान देना यहाँ पे, और यहाँ दोनों के बीच में लाइन बना है, तो ये जो लाइन बनाई है डॉटेड लाइन हमने दोनों के बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, इट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिप, डॉटेड लाइन जो बनाई है इट इज कॉल्ड फर्मी लेवल,
साइंटिस्ट के नाम पे लिया है। इन द गैप कहां बनाया वो हमने, फर्मी लेवल इन द गैप, ठीक है, फर्मी लेवल बनाया हमने इन द गैप ये वाली, और एग्जैक्टली बीच में बनाना, प्योर सेमीकंडक्टर का याद रखो एग्जैक्टली बीच में और इंसुलेटर के भी। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज डेफिनेशन, इतना डिटेल में हमारे को नहीं है उसके बारे में, तो भी याद रखो फर्मी लेवल इट इज द एनर्जी, फर्मी लेवल इज ऑल्सो एनर्जी, ये एनर्जी वाला ही एक्सिस है, इट इज द एनर्जी लेवल, सिंगल लाइन बनाए ना, फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल, इट इज द एनर्जी लेवल विच इज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट एट जीरो केल्विन, याद रखो जीरो केल्विन दोनों के बीच में है, प्योर सेमीकंडक्टर अभी जो हमने स्टडी किया है उसमें एक्जेक्टली बीच में रहेगी फर्मी लेवल, फर्मी लेवल ऊपर भी हो सकती नीचे भी हो सकती थोड़ा सा, पर वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, इसके बाद बताऊंगा, तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, या डायग्राम लगी तो पहचानते आना चाहिए कि वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो अभी हम प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन, तो ये जो डॉटेड लाइन है एक्जेक्टली बीच में, या यहाँ पे भी ये जो डॉटेड लाइन है एक्जेक्टली बीच में है, इट इज कॉल्ड फर्मी लेवल, साइंटिस्ट का नाम है फर्मी एंड उस लेवल को नाम दिया है फर्मी लेवल। इट इज द एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड नहीं बोल रहे, एनर्जी लेवल सिंगल बनाया, एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखो आपको फिलहाल वो फर्मी लेवल बीच में, वो फर्मी लेवल की पोजीशन चेंज होगी जब सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्योरिटी डालेंगे, इंप्योरिटी क्यों डालेंगे कैसे डालेंगे वो बाद में देखेंगे, पर अभी फिलहाल ये याद रखो ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन एक्जेक्टली सेंटर में बनाना दोनों के, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, यहाँ पे भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के सेंटर में, कंडक्टर में क्यों नहीं है क्योंकि ओवरलैप हो रहे हैं, उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो ये है फर्मी लेवल इन द गैप, ठीक है, ये गैप में हमने फर्मी लेवल बनाया है। तो याद रखो इट इज द एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड नहीं बोलना, एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इट इज द एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, अभी वो बाउंडेड ही रहेगा न्यूक्लियस के साथ, इतनी एनर्जी देंगे तो वो फ्री होगा, तो दिस इज द एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल बताया। तो याद रखना फर्मी लेवल की डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय द, एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी फर्मी लेवल, यानी ये डॉटेड लाइन या ये डॉटेड लाइन, याद रखो प्योर सेमीकंडक्टर में एक्जेक्टली बीच में है वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड के, इसकी पोजीशन बदलेंगे जब हम इंप्यूरिटी डालेंगे, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। तो फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल है इन द बैंड गैप, बैंड गैप में है यहाँ पे और यहाँ पे, तो फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज इट इज द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल स्ट्रेट लाइन बनाए, एक ही लाइन बनाए, एनर्जी बैंड नहीं बोलना, एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन। इसका आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक यूज क्या है, तो इसका भी यूज है जब सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी डालेंगे तो ये लेवल कहाँ है कहाँ नहीं है उसके ऊपर भी वो सेमीकंडक्टर का वर्किंग डिपेंड करता, पर अपने को इतने डिटेल में नहीं है, सिर्फ उन्होंने इतना फर्मी लेवल लेके छोड़ दिया, डेफिनेशन भी नहीं है वहाँ पे, फिर भी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप लोगों ने याद रखा है। प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम या सिलिकॉन, तो याद रखो एक्जैक्टली इन दोनों के बीच में है और यहाँ पे भी एक्जैक्टली इन दोनों के बीच में ही है इंसुलेटर में भी, तो वो तो छोड़ दो, ये याद रखना। डॉटेड लाइन जो बनाया है वो एनर्जी लेवल है, फर्मी लेवल नाम दिया है उसको, फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, बस याद रखना। तो अब इंसुलेटर और कंडक्टर का काम खत्म, अब हम पूरे चैप्टर में देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर नोट डाउन कर लो, फर्मी लेवल याद रखो, फर्मी लेवल की डेफिनेशन याद रखना फिर से, ये है फर्मी लेवल और ये है फर्मी लेवल, इट इज द एनर्जी लेवल पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन। अब मिटा दे, अब सेमीकंडक्टर है प्योरली पूरे चैप्टर में, वो शुरू करते हैं, नोट डाउन कर लेना। अब देखो, अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब पूरे चैप्टर में सिर्फ सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम लोग यहां देखने वाले हैं फिलहाल प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, प्योर सेमीकंडक्टर यानी उसमें कुछ इंप्यूरिटी नहीं डाल रहे हैं,
यानी जर्मेनियम है तो जर्मेनियम पूरा का पूरा क्रिस्टल में सभी जर्मेनियम एटम है, और सिलिकॉन का एटम है, सिलिकॉन है सब क्रिस्टल तो पूरे सिलिकॉन के ही एटम है, कोई इंप्यूरिटी ऐड नहीं कर रहे। प्योर सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान दो, सिलिकॉन दो ले रहे और जर्मेनियम इसका है 14 एटॉमिक नंबर और इसका 32, ठीक है याद है ना। इसको कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 8 4, वो डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, 1s1 1s2 वगैरह, ये सिर्फ ऐसे बैठे भी आता है। और 32 के लिए 2 8 18 एंड 4, ये हो गए कितने 10, ये 28 प्लस 4 यानी 32, ठीक है। तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। देखो ये सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 40 और इसका है 32, यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 8 4, ये 2 8 18 4, तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट भी नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, जब 4 है तो वो क्या करेंगे, शेयर। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से देखो, बता रहे ये समझो सिलिकॉन का एक एटम, उसके बाजू में ये एक और सिलिकॉन का, ये एक और सिलिकॉन, ये एक और सिलिकॉन, ये एक और सिलिकॉन, प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर ले, सिलिकॉन है तो सभी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो सभी जर्मेनियम है, यानी ये अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है ऐसा तो इसमें सभी सिलिकॉन है, या ये जर्मेनियम है तो इसमें सभी जर्मेनियम एटम है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। अब इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके खुद के। अब ये बाजू वालों के साथ में 4 शेयर करेगा, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक और इसके साथ एक, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गए, शेयरिंग कर रहा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, यस, ठीक है ना। अब इतना ही बनाने की जरूरत नहीं, इधर भी बना सकते, ये है क्रिस्टल बनाने तो बहुत बड़ा भी बना सकते, पर अभी तो सिर्फ समझा रहे थे। ये इधर इधर आगे वालों के साथ शेयर, इधर और ये इधर भी शेयर करेगा, तो ये इसके 4 और ये पड़ोसियों के साथ और 4 शेयर करेगा, इधर इधर भी आप लोग सिलिकॉन बना सकते, सिलिकॉन 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 इधर है, इनमें चाहे तो इधर भी बना सकते, या फिर बनाने का कोई मतलब नहीं, जितना मैंने बनाया था पहले उतना ही बनाओ बस। इसके 4 ब्लैक से 2 3 4, ये इसके 4 और ये बाजू वालों के साथ शेयर, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, यहाँ पे बना लो सिलिकॉन, यहाँ पे बना लो सिलिकॉन, यहाँ पे बना लो सिलिकॉन, ऐसे, और ये इन दोनों के बीच में ये रंगोली अब आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनफाइनाइट बढ़ते जाएंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पहले बनाया था इधर भी बना सकते, इधर भी बना सकते, वो तो क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे, तो याद रखना ये इस, अच्छा फिर से मिटा देते हैं, ध्यान दो जितना चाहिए उतना रखते एक बार। अब यहाँ प्योर सेमी कंडक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं आप, ये हटा देते फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है, पर बनेगा ऐसे स्ट्रक्चर है। ये भी दूसरे के साथ 4 शेयर करेंगे, ये भी बाजू वाले के साथ, ये भी और ये भी, सभी शेयर करने वाले हैं, तो वो भी बताया है मैंने तुमको। तो ये सिलिकॉन है, ये इसके 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये 4 बाजू वालों के साथ शेयर कर रहा, तो 8 हो गए टोटल, यानी वो भी बैलेंस हो गया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड आर समवॉट स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड, ये देख लो। अब जो बताऊंगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इतना नोट डाउन कर लो भाई, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखो, डिटेल में नहीं लिया हमने, 1s1 1s2 वगैरह जो भी है वो आप केमिस्ट्री में देखना। ये है सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम 14, 284 जर्मेनियम 32, 2 8 18 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है,
ये एक लिया एटम सिलिकॉन का, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार है, ये चार बाजू वालों के साथ शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बन रहा। कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड्स। NaCl के बीच में जो रहता है वो आयोनिक बॉन्ड है। ये अपने आजू बाजू के चार इसके साथ एक शेयर करना, इधर वाले के साथ एक शेयर करेगा, इधर वाले के साथ और इधर वाले के साथ, ये इसके साथ एक शेयर करना, इधर वाले के साथ शेयर, इधर वाले के साथ और इधर वाले के साथ, तो ऐसे आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे। एक बार देखो, तो याद रखना ये जो बोल रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो है तो सेमी कंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर लिखने से अच्छा बोला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। याद रखना एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे सभी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। यहाँ पे देखो एक भी आजू बाजू में फ्री इलेक्ट्रॉन हमने नहीं बताया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर पर कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, ये याद रखना। फिर अब उसमें कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी क्या होगा वो देखते, पहले इतना याद रखना। देख लो इतना, आगे चलते। तो देखो अब आगे चलते, ध्यान रखना एट लो टेम्परेचर या अपन बोल सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो या बोलो जीरो केल्विन, लो टेम्परेचर या जीरो केल्विन तक चले जाएंगे अपन। लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, यहाँ जगह नहीं है याद रखो, प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। बट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बॉन्ड तोड़ दिया उसने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फ्री हो गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब यहां एक राउंड बना रहे, इसको बोलेंगे होल, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुका है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, तो होल पे हम बोलेंगे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। याद रखो होल का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पहले इलेक्ट्रॉन था, यहां पे जैसे रेड बनाया था, यहां पे रेड बनाया था, यहां पे रेड बनाया था, कोवेलेंट बॉन्ड है, एट लो टेम्परेचर बोलो या एब्सोल्यूट जीरो बोलो, सेमीकंडक्टर जो है प्योर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। बट रूम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ा दी हमने, रूम टेम्परेचर पे आ गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे नहीं, सभी नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अब यहां का इलेक्ट्रॉन समझो फ्री हो गया, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तैयार हो गई, यहां इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया, ये हमारा बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो गया। अब ये अब ये सेमीकंडक्टर में कहीं पे भी घूम सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल है, इसको बोलते हैं होल, कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब डिफिशियंसी है वहां पे, तो होल इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। याद रखना होल्स मोटाइल नहीं है, पर होल्स कैसे शिफ्ट होते हैं वो मैं बताऊंगा, होल्स शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है वो देखेंगे बाद में डिटेल में। पहले क्या था, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे थे, यानी टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस देखो कम हो गया। क्यों रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब ये करंट कंडक्ट कर सकता है, ये और ये मिलके करंट कंडक्ट कर सकते हैं, तो मींस रेजिस्टेंस कम हो गया, पहले रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था अब रेजिस्टेंस कम हो गया। इसीलिए मैंने जब बताया था तो अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए रहेगा NPC, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये एक्सप्लेन करना रह गया था वो बताना। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता, पर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम। पहले तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ही था, समझो इंसुलेटर था, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, अब वो इलेक्ट्रॉन और ये होल कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, समझ में आया ना, इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, होल भी मूव होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं बाद में समझाऊंगा, पर दोनों मूव होंगे, दोनों चार्ज मिलके करंट कंडक्ट कर सकते हैं, चार्ज फ्लो हो सकता, अब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो अल्फा का फॉर्मूला हमने लिखा था RT - R0 / R0 × ΔT चेंज इन टेम्परेचर।
तो अब रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब अल्फा का आंसर निगेटिव। तो याद रखो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव रहता, इसीलिए उसको बोलते हैं एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो कंडक्टर का पॉजिटिव क्यों रहता, वो मैंने जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर 11th का पढ़ाया था तब पूरा एक्सप्लेन किया है, मैंने बोला है आपको चाहे तो 11th के वीडियो है उस चैप्टर के, वो उसमें भी देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर का निगेटिव क्यों है वो समझना, पहले इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था यानी रेजिस्टेंस बहुत हाई था, इनफाइनाइट था, पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन फ्री है हमारे पास, ये करंट कंडक्ट कर सकता, यू कैन कंडक्ट द करंट, यानी ये हमारे पास फ्री है। तो अब टेम्परेचर बढ़ा है तो और एक आधा फ्री हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, मतलब करंट बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा। तो याद रखना सेमीकंडक्टर में कैसा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, करंट बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा कम। तो टेम्परेचर बढ़ रहा रेजिस्टेंस कम हो रहा, इसीलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव लेते, ध्यान रखना। तो हम अभी पढ़ रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो होल कितना तैयार हुआ, एक। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, समझो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहां पे एक और होल तैयार हो गया। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या तैयार होंगे, होल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते एन ई इज इक्वल्स टू एन एच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो मूव कैसे होते वो मैं बाद में समझाऊंगा, पर याद रखो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये निगेटिव चार्ज फ्री हो गया, निगेटिव चार्ज गया मतलब ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम होल बोलेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे मिट्टी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डाल दी तो वहां क्या तैयार हो गया, गड्ढा, होल तैयार हो गया, बस वही है। तो होल इज नथिंग बट, याद रखो होल मतलब एक्चुअल में गड्ढा नहीं करना, नहीं तो वहां लिखेंगे गड्ढा तैयार हो गया, होल सॉरी ठीक है, होल मतलब होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तैयार हो गई, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव और ये आ गया निगेटिव। तो याद रखना कंडक्टर में सिर्फ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्ट करते, यहां निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज की वजह से करंट फ्लो होगा। इसमें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज मिलके करंट कंडक्ट करेंगे, जबकि इस कंडक्टर में सिर्फ निगेटिव चार्ज, ध्यान रखना, वो कंडक्ट करेंगे। तो होल्स कैसे शिफ्ट होते और इलेक्ट्रॉन मोटाइल है, मोटिलिटी उनकी है, इसकी मोटिलिटी नहीं है, ये खाली शिफ्ट होते, कैसे शिफ्ट होते और ये कैसे मूव होते वो देखते बाद में, पहले इतना याद रखो। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और होल की डेंसिटी सेम है, पर किसमें सेम है याद रखना, हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक के लिए। प्योर सेमीकंडक्टर में करंट की डेंसिटी, सॉरी करंट होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ होल्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये nh, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम। और एक बात याद रखना बेटा, ये कंडक्टर है समझो मैटर, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर पहले भी न्यूट्रल था बाद में भी न्यूट्रल है, सेमीकंडक्टर में अभी फिलहाल वैसा ही है, इसपे जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव तो दो पॉजिटिव, ये रहा एक और होल। तो अभी ये भी न्यूट्रल ही है, याद रखना पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल ही है, फ्री होने के पहले भी न्यूट्रल था और फ्री होने के बाद में भी ये क्रिस्टल अभी न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल याद रखो, प्योर सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उन पे, यानी अगर ये सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है प्योर, जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी होगा, इसमें चाहे इलेक्ट्रॉन फ्री हो या नहीं हो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही
होल से, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, पहले भी न्यूट्रल था फ्री होने के पहले और फ्री होने के बाद में भी वो क्रिस्टल न्यूट्रल ही है। याद रखना कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा, किसी ने बोला उस पे कौन सा चार्ज है तो बोलना कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल ही है। कंडक्टर के अंदर एटम है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फ्री हो गए तो क्या हो गया, उतने इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो कंडक्टर न्यूट्रल है। उसी तरह सेमीकंडक्टर भी अभी न्यूट्रल है, कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो पॉइंट बता रहा हूं याद रखो फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए, देख लो। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, होल मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल मतलब याद रखो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। देख तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए उतने ही होल तैयार हो गए, इसलिए हमने यहाँ इक्वल का साइन दिला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स। पर किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, अभी देख रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। न्यूट्रल याद रखो और ये याद रखो, और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो, एंड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर कंडक्ट करेगा। अब इनमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, कंडक्टिविटी कम रहेगी। अगर हमारे को कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर यहाँ तक देख लो पहले एक बार। तो नेक्स्ट वीडियो में भी फिर से एक बार तुम लोगों को समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा कि होल शिफ्ट होते और इलेक्ट्रॉन मूव होते। इलेक्ट्रॉन्स आर मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव हो रहे हो खुद, पर होल्स खाली शिफ्ट होते, ऐसा क्यों बोल रहा वो देखेंगे। ये देख लो पहले समझ में, ये सब लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाएंगे ना बेटर। टेक्स्ट बुक में वो लैंग्वेज एक तो समझने में मुश्किल जाती है, और उसमें कैसा है इलास्टिक की तरह उसको स्ट्रेच किया है कि होता कैसे कि भाई हम सब चीजें डाल दें उसमें, कि बच्चों को भले समझ में आए या नहीं आए सब चीजें उसमें ऐड कर दो, बनते बनते रेफरेंस ले लो जो बच्चों को समझ में ही नहीं आए। तो इससे अच्छा जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, 11 का बोर्ड में तो लिखने के लिए आने नहीं वाला, ये सब कॉम्पिटेटिव के लिए याद रखो। और ये बेसिक है हमारे 12th के लिए, 12th में मैं आप लोगों को नोट्स दे ही दूंगा सेमीकंडक्टर के, तो याद रख लो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा और ये लॉजिक समझा दूंगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होते हैं, मोटाई है, और होल शिफ्ट कैसे होते हैं वो भी समझा दूंगा कैसे मूव होते हैं। फिर अभी इसकी कंडक्टिविटी जितनी चाहिए उतनी नहीं है, हमने बोला हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे जिसमें हम थोड़ी इम्प्योरिटी डालेंगे। तो इम्प्योरिटी डालने से क्या होगा वो देखते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इस, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, नोट डाउन करते जाओ बेटा, नोट्स खुद बनाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटेटिव में भी। और बोर्ड वालों को याद रखना, ये अगर समझ में नहीं आया आप लोग बोलेंगे कि सर कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अगर ये सब समझ में नहीं आया तो इसमें सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो उसके डायोड बनाएंगे, फिर उसके अप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में, अगर यही समझ में नहीं आया तो 12th का समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए पहले ये ले रहे हैं फिर हम लोग 12th वाला लेंगे। तो इतना अच्छे से करके रखो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा और फिर इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, नोट डाउन कर लूंगा।